बीते 14 जून को बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, लेकिन सुशांत के परिजन मुंबई पुलिस द्वारा हो रहे जांच को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि हम लोग मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं और सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस को सीबीआई की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं लोजपा सांसद सह राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है और कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से हो, इसमें करोड़ों देशवासियों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। अब सीबीआई के द्वारा निष्पक्ष तरीके से जांच हो सकेगी और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सुशांत का हत्यारा कौन है जल्द ही सबके सामने होगा। सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए। मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है वो सच्चाई सामने आएगी, और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी।